यूपी की बदायूं में एक वन दरोगा ने दहेज के लालच में कानून की सारी हदें पार कर दी। बता दें कि एक व्यक्ति ने उससे अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहा, तो वन दरोगा ने उसके बदले दहेज में 15 लाख रुपए की मोटी रकम नगद मांगी, जिसके बाद व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। वन दरोगा को लड़की की शादी करना कहीं और भी रास नहीं आया और उसका रिश्ता वहां से भी तुड़वा दिया। बदायूं में एक वन दरोगा को शायद कानून का डर नहीं है, तभी तो दबंगई के साथ वन दरोगा ने शादी में 15 लाख रुपए नगद मांगे। वहीं जब व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी कहीं और तय की, तो वन दरोगा ने लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर उसकी शादी तुड़वा दी, जिसके बाद थाने में लड़की पक्ष वाले शिकायत करने पहुंचे तो दरोगा ने उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लड़की पक्ष के लोग रिपोर्ट लिखवाने उझानी थाने गए तो पुलिस ने पीड़ित पक्ष की सुनने के बजाय वन दरोगा का ही साथ दिया, लेकिन पीड़ित पक्ष के पास लाठी से मारपीट की वीडियो होने से वन दरोगा फंस गया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर एसएसपी ने मामले का संज्ञान लिया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। ये इनका आपसी विवाद है। ये अंकेश नाम का एक फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है, वो शादी उसकी तय हुई थी गृह पर, उसके बाद में किन्हीं कारणों से वो शादी नहीं हुई। लड़की वालों ने जैसा बताया कि दूसरी जगह शादी तय की, जिसको लेकर इसने कुछ वहाँ बताया कि और शादी टूट गई। बदायूं से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।